हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। बात करते हैं हम यहाँ पर एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ फ्लिंज बीम्स में। ठीक है, तो फ्लिंज बीम की जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर, मतलब हमने जो पिछले वीडियो में बात किया कि किस तरीके से हमें इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लिंज कैलकुलेट करना चाहिए, उस इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लिंज का यूज़ करते हुए अब मैं किस तरीके से वन बाय वन डिफरेंट केसेस स्टडी करने वाला हूँ टू एनालाइज द फ्लिंज बीम, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जो पहला केस जो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वो है हमारे पास पहला केस, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लेंज पोर्शन। देखिए, जब भी आप फ्लेंज बीम डिज़ाइन करते हैं तो आपके हाथ में ये कंट्रोल नहीं होता है कि न्यूट्रल एक्सिस आपकी वेज पोर्शन में जा रही है या फ्लेंज पोर्शन में जा रही है, या फिर आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं बाद में एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट या डेप्थ को थोड़ा चेंज करा के। तो यहाँ पर यदि मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस मतलब अबो एंड बिलो द कंप्रेशन, जिसके ऊपर कंप्रेशन जोन होता है, जिसके नीचे टेंशन जोन होता है, वो एक्सिस जो होती है जहाँ पर टोटल बेंडिंग स्ट्रेसेस आर न्यूट्रलाइज्ड, ऐसे एक्सिस को हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस क्रॉस सेक्शन पर, है ना। अलॉन्ग द लेंथ देखते हैं यदि मेंबर के, तो उसको हम न्यूट्रल फाइबर कहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल में न्यूट्रल एक्सिस ये एक मेरे पास क्रॉस सेक्शन है, मैंने क्या लिया है, फ्लेंज बीम लिया है, टी बीम लिया है। आप चाहे तो एल बीम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी फ्लेंज होता है, उसमें भी वेब होता है। तो मैंने यहाँ पे टी बीम ले लिया है, ये उसका फ्लेंज है, ये उसका वेब है, मैंने स्टील रेनफोर्समेंट सपोज एएसटी प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एरिया ऑफ क्या है, स्टील रेनफोर्समेंट है, नंबर ऑफ बार्स हो सकते हैं, मैंने केवल एएसटी एक रेनफोर्समेंट से शो किया है। बीएफ क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपको इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज लेना पड़ेगा, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज सपोज मुझे दिया गया था, मैंने उसको इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज में कन्वर्ट करके ये फिगर आपको बना दिया है। यहाँ पर मैं केस कंसिडर कर रहा हूँ कि मैंने जो सेक्शन डिज़ाइन किया है उसके हिसाब से सपोज न्यूट्रल एक्सिस इस इन दी फ्लेंज पोर्शन आ रहा है, इस एरिया ऑफ एसटी के लिए, इस इफेक्टिव डेप्थ के लिए, इस विड्थ ऑफ फ्लेंज के लिए और इस डेप्थ ऑफ फ्लेंज के लिए जो न्यूट्रल एक्सिस आने वाली है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स रख के, वो कहाँ पर आने वाली है, विद इन द फ्लेंज पोर्शन आने वाली है। तो ये रही आपकी न्यूट्रल एक्सिस विद इन द फ्लेंज पोर्शन सपोज, ये रहा। तो क्या मैं लिख दूँ यदि ये विद इन द फ्लेंज पोर्शन आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हम एक कंडीशन लिख सकते हैं क्या कि आपकी एक्सयू जो है इट इज़ लेस देन डीएफ, ये कंडीशन लिख दूँ, एक्सयू इज़ लेस देन डीएफ, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहीं से क्लियर है कि ये क्या है, कम है। तो ये है आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू, चलिए, और यह है आपका टोटल डेप्थ ऑफ लेंस डीएफ। मैंने यदि न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर मान लिया है, है ना, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्जर कंडीशन के सभी फॉर्मूले वैलिड होंगे, है ना, क्योंकि ये वहीं से निकाला है हमने, चाहे मैं सिंगल रेनफोर्स बीम डिज़ाइन करूँ या डबली रेनफोर्स बीम डिज़ाइन करूँ या फ्लेंज बीम डिज़ाइन करूँ, फ्लेंज बीम में भी सिंगली रेनफोर्स एंड डबली रेनफोर्स हो सकता है, यहाँ पर मैं फ्लेंज बीम में सिंगली रेनफोर्स की बात कर रहा हूँ सपोज। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिज़ाइन कर सकते हैं आपकी सिंगली रेनफोर्स बीम, ठीक है, जिसके अंदर मैं ये मान रहा हूँ कि जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो विद इन द फ्लेंज पोर्शन है, डीएफ बड़ा है एक्सिस से या एक्सिस छोटा है डीएफ से। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या बनाना है, स्ट्रेस ब्लॉक यदि हम बनाना चाहते हैं, तो स्ट्रेस ब्लॉक यदि आप देखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होता है स्ट्रेस ब्लॉक, स्ट्रेस ब्लॉक विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, और कहाँ तक होता है, ये पैराबोलिक होता है अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002 तक, एंड देन इट इज़ कॉन्स्टेंट एंड रेक्टेंगुलर अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.0035, मतलब टॉप फाइबर तक। तो यदि मैं इसका क्या बनाना चाहूँ, स्ट्रेस ब्लॉक बनाना चाहूँ, तो वो मैं कुछ इस फैशन में बना सकता हूँ कि यहाँ से मैंने बनाना चालू किया पैराबोलिक एंड देन इट इज़ स्ट्रेट। यहाँ पर स्ट्रेस का वैल्यू कितना आ जाता है, स्ट्रेस का वैल्यू आ जाता है 0.446 FCK, ये वैल्यू आ जाता है स्ट्रेस का, है ना। टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितने लगते हैं मेरे पास, टोटल कंप्रेसिव फोर्स सी जो होते हैं लगते हैं 0.36 FCK बी इंटू XU। बी क्या होता है, विड्थ होती है बीम की। यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स कहाँ पे लगने वाले हैं, आपके फ्लेंज के अंदर रखने वाले हैं, तो फ्लेंज के अंदर कितनी विड्थ अवेलेबल है, वहाँ पर BF विड्थ अवेलेबल है, तो यहाँ पर मुझे किसके मल्टीपल लिखना होगा, बी की जगह BF, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज BF लिखना होगा। ठीक है, ये तो हो गया कंप्रेसिव फोर्स। टेंसाइल फोर्स देखते हैं, ये लग रहा होगा इस फैशन में आपका टोटल टेंसाइल फोर्स टी, है ना, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम वैल्यू 0.87 FYST स्ट्रेस इनटू एरिया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.87 FY इनटू एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील रेनफोर्समेंट।
चलिए टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ गए, टोटल टेंसाइल फोर्स आ चुके हैं इस सिचुएशन में। ये जो केस होता है कि वेन द न्यूट्रल एक्सिस इज इन द वेंज इन द फ्लेंज पोर्शन एक्स यू लेस देन डी एफ, ये आपके नॉर्मल बीम जो आप प्रिज्मेटिक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बीम बनाते हैं, स्क्वायर तो नहीं रखते रेक्टेंगुलर रखते हैं, रेक्टेंगुलर बीम की जो स्टडी होती है एक्जैक्टली सेम होता है। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर निकालना होता है मोमेंट कैपेसिटी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहली स्टेप करता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक्सयू लिमिट निकाल लीजिए, है ना। एक्सयू लिमिट निकालते हैं, तो एक्सयू लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सयू लिमिट मुझे पता होता है, एक्सयू लिमिट ये हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट इनटू डी के बराबर। के की वैल्यू कितनी हो सकती है, के हो सकता है या तो 0.53 डी, के हो सकता है या तो 0.48 डी, की या तो हो सकता है 0.46 डी फॉर Fe 250, फॉर Fe 415 एंड फॉर Fe 500 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप की यदि मैं बात करता हूँ, तो सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में मुझे कैलकुलेट करना होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU, है ना। तो ये था आपका XU लिमिट। अब मैं बात कर रहा हूँ XU का, XU में कैसे निकालता हूँ, XU में निकालता हूँ टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स रखें। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स मुझे क्या है, यहाँ से पता है, यहाँ से पता है टोटल टेंसाइल फोर्स, बस मैं रखता हूँ फॉर्म क्या निकाल लूँ, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU निकाल लूँ। बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि ये विड्थ ऑफ वेव है BW, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में ये यदि केस ऑकर हो रहा है यदि मेरे पास, तो ये बी की जगह विड्थ ऑफ बीम की जगह वो क्या लिख देते हैं, BW लिख देते हैं, विड्थ ऑफ वेव, जो कि गलत है। न्यूट्रल एक्सिस यदि आपकी फ्लेंज पोर्शन में है तो फ्लेंज की विड्थ रखना है, वेब पोर्शन में है तो वेब की विड्थ रखना है। अभी फिलहाल में फ्लेंज पोर्शन में है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि याद रखें कि आपको विड्थ ऑफ फ्लेंज यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ से मुझे फॉर्मूला मिल जाता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU का, एंड दैट फॉर्मूला वी हैव 0.87 FY टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन टेंशन जोन डिवाइड बाय 0.36 FCK BF, और ये BF भी क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, है ना। यदि वो इफेक्टिव नहीं दे रहे हैं तो आपको पहले इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज कैलकुलेट करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो आपकी जो बीम है वो आइसोलेटेड है या स्ट्रक्चर में प्रोवाइडेड है, कंटिन्यूस बीम है, तो उसके हिसाब से आप यूज़ करते हुए BF भी निकाल सकते हैं यदि एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज दिया है तो। और यदि डायरेक्टली इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली आप क्या रख सकते हैं, BF रख सकते हैं। चलिए, आपने BF रख दिया यहाँ पर, उसके बाद हमें क्या काम करना होता है, उसके बाद हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे अल्टीमेटली मोमेंट कैपेसिटी, है ना। तो अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। तो पहले इन दोनों के बाद हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्या होते हैं, हम करते हैं कंपेयर XU एंड XU लिमिट को। किस तरीके से हमें कंपेयर करना है, तो मैं लिख दूँ यदि XU बड़ा है, पहले तो मैं लिख देता हूँ यदि XU इक्वल है XU लिमिट के, है ना, फिर दूसरा या तो XU छोटा हो सकता है XU लिमिट के, या तीसरा XU बड़ा हो सकता है XU लिमिट के। तो ऐसी केस में इसको हम क्या नाम देते हैं, ये होता है आपका बैलेंस्ड सेक्शन, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, ये छोटा होते पर ये आपका हो सकता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और ये हो सकता है आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन। एक है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, एक है ओवर रेनफोर्स सेक्शन, और ये है बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर आप यूज़ करने वाले हैं XU लिमिट मोमेंट कैपेसिटी निकालने के लिए। ये काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, चूँकि स्टेप बाय स्टेप हमें कैलकुलेट करना होता है, इसलिए मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यूज़ करना है, यहाँ पर आपको XU लिमिट यूज़ करना है। कहाँ पर यूज़ करना है, मोमेंट कैपेसिटी निकालने के लिए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ मैं, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होती है मेरे पास, फोर्थ स्टेप होती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फार्मूला हमारा जो नॉर्मल बीम्स में हम यूज़ करते थे, आप चाहे तो कंप्रेशन जोन में कैलकुलेट करिए, आप चाहे तो टेंशन जोन में कैलकुलेट करिए। कंप्रेशन जोन में फार्मूला क्या बनेगा, 0.36 FCK B into XU D minus 0.42 XU। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया कंप्रेशन जोन का। टेंशन जोन में यदि मैं बात करूँ, तो टेंशन जोन में फॉर्मूला जो बनना चाहिए वो बनता है 0.87 FY ST D minus
पॉइंट फोर टू एक्स यू। तो ये जो दो फॉर्मूले मेरे पास बन रहे हैं ये कहाँ के लिए बन रहे हैं, कंप्रेशन जोन एंड टेंशन जोन में मोमेंट कैपेसिटी निकालने के लिए बन रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का यूज़ करके आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ तक अभी क्या देखा, मैंने एक केस नंबर वन देखा, जब भी आपकी न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो विद इन द फ्लेंज पोर्शन होती है, ठीक है। तो जब भी विद इन द फ्लेंज पोर्शन होती है बहुत ज़रूरी है कि हमें जो विड्थ रखना है वो विड्थ ऑफ फ्लेंज रखना होती है इस जगह पर टोटल कंप्रेसिव फोर्स में, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स विड्थ ऑफ वेब रख देते हैं जो कि गलत आंसर मिलते हैं, आपको विड्थ ऑफ फ्लेंज रखना है और वो भी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज रखना है, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज नहीं रखना है। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर थ्रू आउट द लेक्चर ये सीखा हूँ कि यदि मेरे पास जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो यदि विद इन द फ्लेंज पोर्शन है तो एनालिसिस के में कोई बड़ा चेंज नहीं आता है, नॉर्मल बीम की तरह ही हमें आपको इसकी एनालिसिस करना है, रेक्टेंगुलर बीम की तरह ही एनालिसिस करना है। टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स के फॉर्मूले सेम है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला सेम है, लीवर आर्म का फॉर्मूला भी क्या है सेम है, स्टेप्स सभी कॉमन होती है, ठीक है। चेंजेस आते हैं जब हम बात करते हैं जब आपका न्यूट्रल एक्सिस विद इन द वेव पोर्शन चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक के इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जब आपका न्यूट्रल एक्सिस वेव पोर्शन में चला जाता है, ठीक है। थैंक यू।